बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? आप हमेशा खुश रहें, अल्लाह आपके रिज़्क में बरकत अता फरमाए। तो आज हम एक नई रेसिपी बनाने जा रहे हैं आपके सामने। ये मैंने आलू बॉईल कर लिए हैं, तो अभी इनको मैं अच्छा इसके साथ मैश करूँगा। रेसिपी क्या है, ये आलू वाला पराठा बनाएंगे हम, लेकिन इसमें हमें आटा गूंदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखते हैं अच्छा कैसे बनता है। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसको अच्छे तरीके से मैश करके बारीक सा कर लिया है। अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है तो आप इसको ग्रेटिंग से कर सकते हैं, या किसी चम्मच से, हाथों से, जैसे आपको आसानी रहे आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने साइड पे कर लिया इसको। ठीक है, अब इसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे ये है, इसमें क्या है, एक छोटा प्याज है, दो तीन सब्ज़ मिर्च छोटी और छोटा सा सब्ज़ धनिया, सबको इकट्ठे मिक्स करके मैंने चॉप कर लिया है ताकि ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। इसको हम इसके अंदर डालते हैं। जी हाँ, इसके बाद ये तकरीबन पौना कप है ऑल पर्पज़ फ्लोर, ये हम इसमें शामिल करेंगे। और ये नॉर्मल जो सादा आटा रोटी बनाने वाला होता है, तकरीबन एक कप के करीब वो है, वो हम इसमें शामिल करेंगे। ये दोनों हो गए। और इसमें टेस्ट के लिए 1 टीस्पून नमक, थोड़ी सी हल्दी 1/2 टीस्पून के करीब, और ये कुछ दादर मिर्च भी इसको बोलते हैं, या बारीक चिली फ्लेक्स भी इसको कहते हैं, ये हम इसके अंदर शामिल करेंगे। ठीक है जी, अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी हमने शामिल करना है अभी। अभी इसमें हम पानी शामिल करेंगे, इसको हम मिक्स करना शुरू करते हैं। देख सकते हैं हमारा बेहतरीन सा इसका मिक्सचर तैयार हो गया है। अब कि इसके अंदर मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगा। अभी मैं तो जैतून का तेल डाल रहा हूँ, अगर आपके पास तो जैतून का तेल नहीं है तो आप नॉर्मल वेजिटेबल ऑयल भी इसमें डाल सकते हैं। ये हमारा अभी मिक्सचर तैयार है, तो अभी हम इसको पकाना शुरू करेंगे। अभी हम पराठा बनाएंगे, तो इसके लिए सबसे पहले एक पैन लिया मैंने, फ्राइंग पैन, इस पर थोड़ा सा ऑयल डाल लेंगे और इसको अच्छे तरीके से चारों तरफ लगा देना। अगर आपके पास ब्रश है तो आप ब्रश से लगा सकते हैं, ब्रश नहीं है तो आप इसी तरीके से इसको सेटमेंट कर सकते हैं। ऑयल का थोड़ा गर्म होने का इंतज़ार करना है, और फ्लेम आपने मीडियम रखना है, बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए और लो भी नहीं होना चाहिए। ऑयल हमारा कुछ तक गर्म हो चुका है, तो अभी इसमें मैं ये ऐड करता हूँ मटेरियल। तो ये ज़्यादा नहीं डालना, बिल्कुल मुनासिब सा डालना है, जितनी पतली तय होगी इसकी उतना ही ये अच्छा बनेगा। इसको फैला लें साइडों पे, क्योंकि अगर इसकी तय मोटी होगी आपसे तो इसका पकना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें पानी बहुत ज़्यादा है जिसको बुहारात बन के बाहर निकलने में काफ़ी टाइम लगता है। तो इसको एक साइड को हम पकने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। अभी आप दोनों साइड को अच्छी तरह से पकाएंगे, और कोशिश करना है कि इसमें पानी बिल्कुल ना रहे, तो थोड़ा दबाना पड़ेगा, थोड़ा टाइम ये ज़्यादा लेगा पानी मुकम्मल निकलने में। कोशिश करें कि इसमें पानी बिल्कुल बाकी ना रहे, वरना ये सही तरह से मज़ा भी नहीं आएगा इसका और पकेगा भी नहीं अच्छे तरीके से। हर मीडियम फ्लेम पे इसको बनाना है और अच्छे तरीके से चुका है। अभी मैं इसको दूसरे बाहर निकाल लेता हूँ। इस तरीके से थोड़ा सा मज़ीद ऑयल डालेंगे हम और अगला पराठा बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हमने इसकी आंच को बिल्कुल हल्का कर देना है, क्योंकि अगर आँच हल्की नहीं करेंगे तो जब दूसरी तरफ हम डालेंगे तो बेचारे बहुत जल्दी ये जलना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से हम मज़ीद जितने पराठे आपने मटेरियल बनाया बनाते जाएंगे। और लेकिन इसकी मैं एक चीज़ का अपने ख्याल रखना, इसको पकाना बहुत अच्छे तरीके से है जी। दोस्तों, तो हमारे पराठे बनके तैयार हो चुके हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी क्रिस्पी हैं। इसकी बड़ा फ़ायदा यह है कि आलू इसमें हर जगह मौजूद हैं,
आम पराठों की तरह कहीं पे आलू होता है कहीं पे नहीं होता, और आटा आपको गूंदना नहीं पड़ता। लेकिन इसमें एक चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि जब इसको आपने पकाना है तो अच्छे तरीके से पकाना है, मीडियम आंच के ऊपर पकाना है और लंबा टाइम लेगा ये पकने में। क्यों? क्योंकि इसमें पानी बहुत ज़्यादा डाला होता है हमने इसको पतला करने के लिए, जिसको पूरे का पूरा हमने मतलब इसमें से हुश करना होता है। अगर इसमें पानी रह गया मतलब इसमें अगर जो आटे के अंदर जो पानी है वो रह गया, यानी कि आटा कच्चा रह गया ना फूला पूरा पका, तो आपका पेट खराब होने का खदशा बहुत ज़्यादा है। उम्मीद आपको रेसिपी पसंद आई होगी, दुआ में याद रखिएगा।